Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 5th and this is the third lesson of this subject and the name is talk. ठीक है, तो आज ही हम talk name है इस lesson का, इस lesson के बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो इस lesson में कुछ ऐसे characters हैं, मतलब ये जो एक story इसमें बताई गई है इस lesson में. talk means क्या होता है, बोलना है ना. तो इसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में उनके वो किस तरह से मतलब वो बोलते हैं, है ना. तो इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स अगर बोल पड़े तो क्या होगा, कैसे होगा, है ना. मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो कभी मतलब बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, है ना. तो ये सब चीज़ें अगर बोल पड़ी तो क्या होगा, इस सिचुएशन के बारे में इस लेसन में बताया गया है. तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो है, यहाँ पे फार्मर मैन है, एक फार्मर है पर्सन, वो एक कैरेक्टर है. उनके साथ एक काऊ होती है और एक डॉग होता है, ठीक है. ये एक फर्स्ट कैरेक्टर है. सेकंड इज फिशरमैन, एक फिशरमैन होता है विथ फिश ट्रैप, उसके साथ एक फिश ट्रैप होती है, ठीक है. मतलब मछली का जाला, मछली पकड़ के वो मतलब जाले में पूरा वो पकड़ के जाते रहते हैं, वो एक फिशरमैन है. सेकंड कैरेक्टर है. थर्ड कैरेक्टर इज वीवर, वीवर विथ बंडल ऑफ क्लॉथ्स. वीवर मींस क्या होता है, मैंने यहाँ पे मीनिंग्स भी आपको लिख के दिए हैं. वीवर मींस होता है विंकर, जो कपड़े सीने का काम करता है, ठीक है, उसको वीवर्स कहा जाता है. जो वीवर है वो किसके साथ है, विथ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों के बंडल के साथ, ठीक है. फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है अ मैन, एक नेक्स्ट मैन होता है जो बोथ इन द रिवर, जो बाथ इन द रिवर, जो रिवर में नहाते रहता है, ठीक है. एक मैन होता है, फोर्थ कैरेक्टर है. और फिफ्थ कैरेक्टर जो है द चीफ ऑफ सर्वेंट्स ऑफ द विलेज, उस विलेज में, एक गांव की स्टोरी है, तो ये उस विलेज में जिए जितने भी सर्वेंट्स हैं, जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं, उन सबका एक चीफ मैन होता है, चीफ पर्सन होता है उस गाँव का, वो है लास्ट का कैरेक्टर. तो ऐसे ये फाइव कैरेक्टर्स है यहाँ पे, ठीक है. तो हम वन बाय वन स्टोरी को आगे पढ़ते हैं. Once not far from the city of Accra on the Gulf of Guinea, a countryman went out to his garden to dig up some yams to take to the market. तो ये एक स्टोरी है गांव की, जिसका जो एक सिटी थी जिसका नाम था एकरा, और वो गुनिया की जो कंट्री, मतलब गुनिया एक कंट्री है, वहाँ का वहाँ की वो सिटी थी, ठीक है. और वहाँ पे उस कंट्री का, उस सिटी का एक मैन होता है, फार्मर होता है, फार्मर मैन. फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो फार्मर मैन जो होता है, वो कहा जाता है अपने गार्डन में जाता है, अपने बगीचे में वो जाता है किस चीज़ के लिए, याम्स को मतलब जमीन में डिगिंग करने के लिए, गड्ढे करने के लिए. और उसमें याम्स को जो उसने मार्केट से लेके आया था, जो याम्स, याम्स क्या होते हैं, याम्स मीन्स उबाल के खाने वाला एक फल है, ठीक है, जिसको याम्स कहते हैं. एक फ्रूट होता है वो, एक कंद होता है, तो वो मार्केट से लेके आता है, वो उसको गार्डन में वो लगाने के लिए, उसके प्लांट्स उगाने के लिए वो उसको अपने गार्डन में सोइंग करने के लिए वो लेके जाता है, ठीक है. तो उस जो वो डिगिंग करने जाता है, व्हाइल ही वाज डिगिंग वन ऑफ द याम सेड टू हिम, वेल एज एट लास्ट यू आर हियर, यू नेवर विडेड मी, बट नाउ यू हैव कम अराउंड विथ योर डिगिंग स्टिक, गो अवे एंड लीव मी अलोन. जब वो डिगिंग करना जब शुरुआत कर ही देता है, जब वो शुरुआत करने लगता है, तभी जो एक याम होता है, जो एक वो जो फ्रूट है, वो क्या कहता है, वो एकदम से बोल पड़ता है, ठीक है. वो टॉक करने लगता है उस फार्मर से और क्या कहता है, फाइनली तुम यहाँ आ ही गए मुझे यहाँ जमीन में गाड़ने के लिए, तुम मुझे कभी भी वेस्ट नहीं होने देते हो, लेकिन आज तुम यहाँ पे अपने एक डिगिंग स्टिक के साथ, वो जो गड्ढा करने वाले एक जो लकड़ी होती है, कुल्हाड़ी वगैरह, तो उसके साथ तुम यहाँ पे आ ही गए मुझे जमीन में गाड़ने के लिए. और वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, गो अवे एंड लीव मी अलोन, ऐसा वो याम बोलता है फार्मर को, ठीक है. द फार्मर टर्न अराउंड एंड लुक्ड एट हिज काउ इन अमेजमेंट. वो जो फार्मर मैन है वो एकदम सरप्राइज हो जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है किसकी तरफ, अपने काऊ की तरफ.
उसके साथ जो एक गाय होती है उसकी तरफ वो देखता है और मतलब उसको लगता है कि वो कुछ उसने बोला है, मतलब वो ये सोच नहीं पाता कि एक फ्रूट भी बोल सकता है ना। तो वो इधर उधर देखता है, अपनी गाय की तरफ देखते है कि कहीं गाय तो, गाय ने तो ये सब कुछ बोला नहीं। तो जो काऊ है वो क्या करती रहती है, सिर्फ चारा अपना खाती रहती है और उसके तरफ देखती रहती है, उस फार्मर मैन की तरफ देखती है और खाती है। इट वॉजंट द काऊ हु स्पोक टू यू, द डॉग सेड। तो वो जो जो फार्मर है वो काऊ को पूछता है कि क्या तुमने कुछ कहा, तुमने अभी कुछ कहा क्या, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, तुमने कुछ कहा। लेकिन वो जो काऊ है वो उसकी तरफ देखती रहती है, तो कोई भी बात नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ खा अपना चारा खाते है उसकी तरफ देखती रहती है। तो तभी उसके साथ जो एक दूसरा डॉग होता है उसका, वो एकदम से बोल पड़ता है और वो क्या कहता है, इट वॉजंट द काऊ हु स्पोक टू यू, द डॉग सेड, इट वॉज द याम, लिसन टू वॉट द याम सेज, द याम सेज लीव इट अलोन। वो जो डॉग है वो एकदम गुस्से की आवाज में, एकदम गुस्से से आवाज में वो उसको कहता है कि वो जो जिसने बात की वो काऊ नहीं है, वो गाय नहीं थी, वो कोई कौन बात किया, वो एक था याम, था याम ने बात की। और क्या तुम सुनो अच्छे से कि याम ने तुम्हें क्या कहा, याम ने तुम्हें क्या कहा कि लीव इट अलोन, जाओ यहाँ से मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा याम ने कहा है। द मैन बिकेम एंग्री बिकॉज हिज डॉग हैड नेवर टॉक बिफोर एंड ही डिडंट लाइक हिज टोन बिसाइड। तो जो फार्मर है ये सुन के एकदम उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका डॉग इससे पहले कभी बोला नहीं है, है ना। और उसकी जो टोनिंग, जो उसके बात करने की जो टोनिंग उसकी आ रही थी, है ना, मतलब एकदम गुस्से वाली, एकदम ऑर्डर देने जैसी, क्या कहा तुम्हें याम ने कि उसको अकेला छोड़ दो, मतलब उसकी जो टोनिंग थी वो टोनिंग सुन के जो फार्मर मैन था उसको बहुत गुस्सा आया। तो फिर उसने क्या किया आगे, सो ही टूक हिज नाइफ एंड कट अ ब्रांच फ्रॉम अ पाम ट्री टू विप हिज डॉग। फिर वहां पे एक पाम ट्री थी, पाम का पेड़ था, तो उसने क्या किया, उसके कुछ उसके ब्रांचेस, कुछ ऐसे ब्रांचेस उसने क्या किया, अपने चाकू से चाकू पकड़ा और उसके ब्रांचेस को कट कर दिया, पाम ट्री के ब्रांचेस को। किस लिए, उसके उससे वो चाबुक बना के उस कुत्ते को पनिश करने के लिए, उस डॉग को मारने के लिए, ठीक है ना। देखिए वाइट मीन्स चाकू, ठीक है। तो उसने उस चाबुक को यूज करने के लिए, किसके लिए, कुत्ते को मारने के लिए उसने वो पाम ट्रीज की कुछ जो ब्रांचेस थे उसको उसने तोड़ डाला। जैसे उसने तोड़ा तो वैसे ही पाम ट्री बोलने लगी। जो पाम ट्री थी वहां पे, वो पाम ट्री क्या कहती है, Put that branch down. वो branches नीचे रखो। मतलब एकदम ऐसे order से एकदम जोर से चिल्ला के वो कहती है कि वो branches क्या करो, तुम नीचे रखो। The man was getting very upset about the way things were going and he started to throw palm branch away, but the palm branch said, "Man, put me down softly." तो क्या मतलब क्या क्या हो रहा है उसके साथ, ये जो सब चीजें हो रही थी ये सब देख के वो जो मैन है फार्मर मैन बहुत ही कंफ्यूज होने लगा था। वो सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स ये बात कैसे कर रहे हैं, कैसे मेरे मुझसे वो बातें करना उन्होंने स्टार्ट किया है, है ना। तो वो जो पाम ट्री थी वो कहती है कि मेरे जो तुमने ब्रांचेस तोड़े हैं उसको तुम क्या करो, नीचे रखो, ठीक है। तो वो फिर डर जाता है और डर के मारे वो जो ब्रांचेस है वो मतलब दूर ऐसे फेंकने लगता है, ऐसे डालने लगता है वो जमीन पे। तो वो जैसे डालने लगता है वैसे वो ब्रांचेस भी बोलती है और ब्रांचेस क्या कहती है, पुट मी डाउन सॉफ्टली, हमें आराम से नीचे रखो, ऐसे फेंक क्यों रहे हो, आराम से नीचे रखो जमीन पे। ऐसे वो जो ब्रांचेस है पाम ट्री के वो ऐसे बात करने लगते हैं। देन आगे क्या होता है, ही पुट द ब्रांच डाउन जेंटली ऑन अ स्टोन। फिर वो उस ब्रांचेस को धीरे धीरे मतलब हल्के हल्के हाथों से वो पत्थर पे रखने लगता है, जो जमीन पे जो पत्थर पड़े तो उसके ऊपर वो रखता है। तो तब तो वो स्टोन बोलने लगते हैं, जो पत्थर है वो बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, है टेक दैट थिंग ऑफ मी, वो कहते हैं कि ये सारी चीजें है हटाओ मेरे ऊपर से, मुझ मेरे ऊपर क्यों रख रहे हो तुम, ये ब्रांचेस वगैरह मेरे ऊपर क्यों रख रहे हो, हटाओ यहाँ से, मेरे ऊपर से हटाओ उसको, ऐसे वो स्टोन बात करने लगते हैं। तो वो
जो फार्मर है बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है और वो कहता है कि दिस वॉज इनफ, अब ये तो बहुत हो चुका है, ऐसे सोच के वो डर के मारे वो सब छोड़ के अपने गांव के मेन रास्ते से वो दौड़ने निकल जाता है, मतलब वहां से भाग जाता है। ठीक है, जैसे वो रास्ते से भागता रहता है वैसे ही फिर उसको वहां पे मिलता है सेकंड पर्सन फिशरमैन विथ फिश ट्रॉप। तो जो रास्ते से भागता रहता है तो वहां पे उसको मिलता है एक फिशरमैन, ठीक है, जो मछली पकड़ने वाला जो आदमी होता है उसके साथ एक फिश मतलब एक जाला होता है, फिश ट्रैप होता है जिसमें वो मछलियाँ पकड़ के वो लेके जा रहा होता है। ठीक है, तो फिर वो उसको वहाँ पे मिलता है और वो उसको पूछता है व्हाट्स द हरी, तुम क्यों इतनी जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बात हुई, क्यों तुम इतनी जल्दी जल्दी भागते हुए जा रहे हो। तो जो फार्मर है वो उसको अपनी सारी स्टोरी बताता है, माय याम सेड लीव मी अलोन, देन माय डॉग सेड लिसन टू व्हाट द याम सेज, व्हेन आई वांट टू व्हिप द डॉग विद अ पाम ब्रांच द ट्री सेड पुट दैट ब्रांच डाउन, और जो पाम ट्री है पाम ब्रांच है वो मुझे कहती कि डू इट सॉफ्टली, मुझे आराम से रखो। फिर वो बताते कि स्टोन ने भी बात की मुझसे, पत्थर ने भी बात की कि टेक दैट थिंग ऑफ मी, मतलब ये सब सारी चीज़ें जो उसके साथ हुई हैं वो सारी चीज़ें वो फार्मर को फिशरमैन को बताता है, एक्सप्लेन करता है। तो फिर फिशरमैन क्या कहते हैं, इज दैट ऑल द मैन विद द फिश ट्रैप आस्क्ड, इज दैट सो फ्राइटनिंग। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये सब हुआ, ये तो बहुत ही भयानक चीज़ हुई, बहुत ही भयानक हुआ ये सब। फिर वो कहता है कि वेल द मैन फिश ट्रैप से डिड ही टेक इट ऑफ द स्टोन, और तभी वो ये सब सुनते हुए तभी जो फिशरमैन के शोल्डर पे जो फिश ट्रैप जो होता है वो बात करता है, और वो क्या कहता है, क्या उसने वो पत्थर से हटा लिए, या उस पत्थर को उसने हटा लिया क्या, मतलब वो जो फिश ट्रैप थी वो उस फिशरमैन से पूछते कि उस आदमी ने फिर जब स्टोन ने कहा था कि ये सब चीज़ें हटा वहाँ से तो उस आदमी ने हटाए क्या, ऐसे क्वेश्चन उस फिश ट्रैप ने पूछा, उस जाल ने पूछा, है ना, मछली का जो जाल था ट्रैप उसने वो पूछा। तो वैसे ही वो फिशरमैन भी चौंक गया, तो वो मतलब एकदम जोर से चिल्लाया, वो डर के मारे चिल्ला के दोनों भी बाल वो जो उसके जो फिश ट्रैप था वहीं पे जमीन पे फेंक दिया और वैसे ही दोनों वहां से भाग गए। फिर वो वहां से भागते भागते पूरे रोड से वो जाने लगे और वैसे रास्ते से जाते जाते उनको मिला एक वीवर, ठीक है, वीवर मीन्स कौन, कपड़े सीने वाला, जो थर्ड जो कैरेक्टर था वीवर विद बंडल ऑफ क्लॉथ, उसके पास क्या थे, कपड़ों का एक बंडल था जो वो अपने सर पर रख के अपने हेड पे रख के वो रास्ते से जा रहा था। तो वहां पे उनको वो दोनों मिल जाते हैं जो दौड़ते जाते रहते हैं, कौन, फार्मर मैन और फिशरमैन, ठीक है। तो वो वहां पे मिलते हैं और वो फिर वो उनको पूछता है वेयर आर यू गोइंग इन सच अ रश, तुम दोनों इतने जोर जोर से इतने भाग भाग के कहाँ जा रहे हो, क्या बात हुई। तो फिर वही डबल रिपीट करते हैं, फार्मर अपनी बातें बताता है कि मेरे याम ने ऐसे ऐसे बात की मुझसे, उसने मुझे कहा कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, फिर मेरे डॉग ने कहा कि याम क्या कह रहा है वो सुनो, उसको अकेला छोड़ दो, फिर ट्री कहती है कि पुट द ब्रांच डाउन, मेरे जो ब्रांच तुमने तोड़े उसको नीचे रखो, फिर ब्रांच के जो ब्रांचेस है वो क्या कहते हैं, डू इट सॉफ्टली, उसको आराम से रखो, फिर पत्थर कहता है कि ये जो मेरे ऊपर ब्रांचेस रखे उसको हटाओ, मतलब ये सब जो उसके साथ हुआ वो उसको भी डबल रिपीट में बताते हैं। और फिशरमैन भी अपनी बात बताए कि जो मेरा जो फिश ट्रैप था उसने भी ये बोला कि इसको इसने वो सब चीज़ें हटाई कि नहीं हटाई, है ना। तो इस तरह से वो जो भी चीज़ें जो भी घटनाएं उनके साथ हुई वो उस व्यूवर्स को भी बताते हैं वो दोनों भी मिलके। तो फिर व्यूवर ये सब सुनता है और क्या कहता है, दैट्स नथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट, इसमें कोई इतना एक्साइटेड होने की कोई बात ही नहीं है, नो रीजन एट ऑल, इसमें कोई 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 कारण ही नहीं है, तुम लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हो और इतने दौड़ दौड़ के भाग रहे हो, कोई रीजन नहीं है इसमें इतना। तो तभी उसके जो सर पे जो कपड़ों का बंडल होता है वो बात करने लगता है और वो क्या कहता है, ओ यस इट इज, मतलब हाँ क्या सच में, अगर ये इफ इट हैपन टू यू वुड रन टू, अगर ये सब तुम्हारे साथ होता तो तुम नहीं भागते क्या, तुम नहीं दौड़ते ऐसे ही। ऐसे वो उसके कपड़े जो होते थे उसके हेड पर के वो उसको ऐसे बोलते हैं।
कि अगर ये सब चीजें तुम्हारे साथ हुई तो क्या तुम नहीं भागोगे, तुम नहीं दौड़ोगे, ऐसे वो कपड़े उसको उस वेवर को कहते हैं। तो जैसे ही वो सुनता है, जैसे ही वो कपड़े बोलने लगते, ऐसे वो वीवर भी जोर से चिल्लाने लगता है एकदम डर के मारे, और कपड़ों का बंडल वही फेंक देता है और तीनों वहां से भाग उठते हैं। ठीक है, तो फिर वो तीनों भी वहां से एकदम से रन, मतलब इतनी उसकी उनकी सांस फूलने लगती है, तो भी वो क्या होते रहते, दौड़ते रहते दौड़ते रहते, और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो एक रिवर के एक नदी के किनारे वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है एक नेक्स्ट मैन की, जो बाथ इन द रिवर, नदी में वो नहाता रहता है। तो नदी के किनारे आके जाके वो पहुंचते हैं, वो तीनों भी कौन, फार्मर मैन, फिशरमैन और वीवर, तीनों भी वहां पे पहुंच जाते हैं। और जो एक आदमी होता है जो नदी में नहाते रहता है, तो वो उन तीनों को देखता है, वो वहां पे रुक के बहुत जोर से अपना अपनी सांस मतलब डाल ब्रीथिंग करते रहते हैं, सांस लेना छोड़ना मतलब बहुत ही ज्यादा हाफना हाफते रहते हैं। तो तब वो आदमी उनको देखता है और वो उनको पूछता है कि आर यू चेजिंग अ गेजली, मतलब आप किसी का पीछा कर रहे हो क्या, किसी कोई पर्टिकुलर कोई हरिंग का पीछा कर रहे हो आप, जो इतना दौड़ दौड़ के आए और इतना हाफ रहे हो। तो फिर वो पहला मैन जो है वो उसको कहता है, वही अपनी स्टोरी रिपीट करता है, पहले फार्मर मैन अपनी स्टोरी रिपीट करता है कि उसके याम ने ऐसा बोला, फिर डॉग ने वैसा बोला, फिर पाम ट्री के ब्रांचेस निकाले तो पाम ट्री ने ऐसा बोला कि मेरे जो ब्रांचेस है वो नीचे रखो, ब्रांचेस ने कहा कि हमें आराम से रखो, है ना, स्टोन ने कहा कि मुझे मतलब मेरे ऊपर से सारी चीजें हटाओ, ये सब चीजें किसने कही, फार्मर ने की। फिर फिशरमैन ने भी अपने फिश ट्रैप के बारे में कहा कि मेरे फिश ट्रैप ने ऐसा कहा कि उसने वो हटाए कि नहीं हटाए वो सारी चीजें, है ना। उसके बाद रिवर ने कहा कि मेरे जो कपड़े थे, मेरा जो कपड़े का जो बंडल था, वो भी मुझसे बात किया, उसने भी मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम नहीं भागते क्या, मतलब ये सारी चीजें जो भी घटनाएं उनके साथ घटी वो सारी चीजें उन्होंने उस रिवर में नहाते हुए उस आदमी को बताई। ठीक है, तो फिर वो आगे, फिर वो जो नहाने वाला जो आदमी था जो नदी में नहा रहा था, उसने क्या बोला आगे कि इज दैट वाई, मतलब इज दैट वाई आर यू रनिंग, मतलब ये कारण है आपके दौड़ने का, आपके भागने का, इसीलिए आप इतना भाग रहे थे। वेल, वुडंट यू रन इफ यू वेयर इन द पोजिशन द रिवर्स हेड। फिर जैसे वो इसे उसने मतलब कहा कि इतनी सी बात के लिए आप इतना भाग रहे थे, ऐसा क्यों, मतलब कोई इतनी बात नहीं है, तुम भागो इतनी, भागा दौड़ी करो, है ना। तो तभी वो जिस रिवर में रहता है वो रिवर भी बात करने लगती है, और वो क्या कहती है कि अगर इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में, अगर इस स्थिति में अगर तुम होते तो तुम नहीं यहाँ से भाग उठते, है ना। तो वो रिवर ऐसे बात करती, रिवर उसको बोलते कि तुम अभी इस रिवर में हो, पानी में हो, अगर ये सिचुएशन तुम्हारे साथ हो जाए तुम भी इसी पोजीशन में ऐसे ही नहीं भाग उठते क्या। ये सुनते ही वो जो आदमी था जो पानी में नहा रहा था वो वैसे ही नदी के बाहर जंप करता है, और सारे जो चारों जन थे वो पूरे वहां से फरार हो जाते, चारों भी मिलके वहां से भाग उठते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो फिर भागते भागते पूरे गांव के, उनका जो गांव रहता है वहां पे पूरे मेन, उन गांव के मेन स्ट्रीट पे, मेन रास्ते पे वो जाते हैं जहाँ पे उनके चीफ का घर होता है। फिर नेक्स्ट जो है चीफ सर, मतलब पूरे जो सर्वेंट का जो मेन चीफ पर्सन होता है उस गाँव का, उसके घर के पास वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर वो चीफ सर्वेंट जो है उसके घर के बाहर वो आते हैं, और जो चीफ सर्वेंट, चीफ जो है सर्वेंट्स का जो चीफ मैन है वो बाहर निकलता है घर से अपना एक स्टूल लेके, एक छोटा सा स्टूल रहता है उसके साथ, वो स्टूल लेके आता है और उस स्टूल पे वो आके बैठ के उन सबकी बातें जो है वो सुनते रहता है, उनकी जो कंप्लेंट्स है वो सुनने लगता है। ठीक है, तो फिर वो एक एक करके सब अपने अपने जो उनके साथ जो घटनाएं हुई थी वो बताते हैं, फिर से वो डिसाइड करते हैं, है ना, मतलब जो फिशरमैन है वो अपना बताता है, याम ने ये कहा, डॉग ने वो कहा, मतलब वो सारी चीजें वो फिर से रिपीट करता है। और फिर फिशरमैन भी अपना बताता है कि मेरे जो फिश ट्रैप जो थी, फिश का जो जाला था, उसने ऐसा ऐसा कहा कि उसने वो सामान हटाया कि नहीं स्टोन के ऊपर से, है ना, वो ऐसा कहता है। फिर वेवर्स कहता है कि मेरे कपड़ों के बंडल ने भी मुझसे बात की, उन्होंने भी ऐसा ऐसा कहा, है ना, वो सब सारी चीजें बताता है। जो मैन है जो नदी में नहाते रहता है वो भी बताता है कि नदी ने मुझसे ऐसा कहा,
अब अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम भी यहाँ से भागते नहीं क्या? इस तरह से वो मतलब सारी चीजें बताई गई, सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नदी है, पेड़ है, डॉग है, जो सारी जो चीजें है, स्टोन है, पाम ट्री है, ये सारी चीजें बात कर रही है हमसे, हमको इस तरह से बातें मतलब हमारे साथ वो बात करिए, ये सारी चीजें वो उनको क्या करते हैं, बताते हैं। तो जो चीफ जो है वो आराम से बिल्कुल उनकी सारी कंप्लेंट जो सारी बातें वो सुनता रहता है, पूरा सुन लेता है, वो सब कुछ सुनता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है और ना ही अपने बड़े आवाज में कुछ बोलता है। फिर बाद में सारी जो चीजें होने के बाद, सारी बातें सुनने के बाद, फिर वो लास्ट में आराम से क्या कहता है, नाउ दिस इज रियली अ वाइल्ड स्टोरी ही सेड एट लास्ट। और लास्ट में वो ये कहता है कि अभी जो ये सारी चीजें जो तुमने बताई है वो बस क्या है, एक स्टोरीज है, एक कहानियां बनाई है तुम लोगों ने। यू वुड बेटर ऑल गो बैक टू यूर वर्क बिफोर आई पनिश यू फॉर डिस्टर्बिंग द पीस। फिर वो कहता है कि तुम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि अब तुम सब अपने अपने काम पे वापस लौट जाओ। अगर तुमने ऐसा ही मतलब बर्ताव किया तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, शांति को गांव में शांति को भंग करने के लिए मैं तुम्हें क्या करूंगा, पनिश करूंगा, तुम्हें सजा दूंगा, ऐसा वो चीफ जो मैन है वो कहता है। ठीक है, तो सारे जो मेन से वो सब चले जाते हैं अपने अपने काम पे। और फिर लास्ट में फिर वो जो चीफ है वो अपनी मुंडी ऐसे मतलब नीचे झुका के कहता है कि, मतलब एक खुद से ही बड़बड़ करता है कि नॉनसेंस लाइक दैट अपसेट्स द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी थी जो थी, ये सारे लोग क्या है, पूरे नॉनसेंस टाइप के बातें करते हैं, इस तरह से वो बड़बड़ करता है, खुद से ही वो बात करता है। तो वैसे ही क्या हो जाता है, एक आवाज़ आती है, फैंटास्टिक इजंट इट हिज स्टूल सेड, इमेजिन अ टॉकिंग यम। फिर वो जिस स्टूल पे वो चीफ मैन बैठा होता है वो स्टूल भी बात करता है। वो क्या कहता है, सही है ना, ये सब जो भी घटनाएं घटी है बिल्कुल फैंटास्टिक है ना, ऐसे वो स्टूल उसको कहता है। क्या कहता है वो कि तुम इमेजिन करो कि वो जो याम था, वो जो फ्रूट था, वो मतलब कैसे बात कर रहा था, वो तुम खुद इमेजिन करो, ऐसे वो स्टूल उस मैन को, उस चीफ मैन को कहता है। और फिर स्टोरी के एंड में आप समझ ही सकते हो फिर उस चीफ मैन का भी क्या हाल हुआ होगा, जैसे वो स्टूल ने बात की तो वैसे उसने भी क्या किया होगा आगे, वो आप खुद समझ सकते हो। तो स्टूडेंट, ये इस तरह से ये स्टोरी थी, थोड़ी सी कॉमेडी मतलब अच्छे से कॉमेडी थी वो, है ना, जो ये जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ कैसे कैसे बातें हुई, जो नॉन लिविंग थिंग्स थी जैसे डॉग है, पाम ट्री, उसके ब्रांचेस, स्टोन्स, है ना, फिश ट्रैप है, वेवर्स के जो बंडल थे कपड़े के वो, है ना, नदी और ये स्टूल, मतलब ये सारी चीजें जो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन वो बात कर रहे थे, इसलिए इस लेसन का नाम क्या है, टॉक, है ना, बात करना, मतलब ये सो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कैसे बातें कर रही थी पर्सन से, आदमियों से, है ना। तो ये सब के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो ये कॉमेडियन स्टोरी थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में, इस स्टोरी को पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपको, कॉमेडी भी आपको बहुत मतलब अच्छी लगेगी इसमें। तो स्टूडेंट, अगर ये लेसन के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।